जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ के फंडे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे जिंदगी में जो फेलियर्स आ जाते हैं किसी भी फील्ड में, अक्सर हम लोग उसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं और बहुत बार बड़े डाउन हो जाते हैं, या कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कुछ लोग तो एक्सट्रीम सिचुएशन में आत्महत्या करने के बारे में भी सोचते हैं। यू नो, आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपने एक्सपेक्ट किया और मीट आउट ना हो, चाहे वो स्कूल के नंबर थे या फर्स्ट आने की चाहत थी या कोई बहुत अच्छी जॉब थी, यू नो, कोई रिलेशनशिप का फेलियर था। तो यू नो, अगर इस तरह से चलता रहेगा तो फिर तो हम कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, बिकॉज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको फेलियर्स नहीं मिलते। फेलियर्स सच में फेलियर तभी बनते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि हम फेलियर हो गए। तो कभी भी कोई फेलियर हमें फेल नहीं कर सकता। हमें फेल कौन करता है? हमारा अपना मन। जिस दिन हमने एक्सेप्ट कर ली है हार, उस दिन हम हार गए। नहीं तो फेलियर से हमेशा हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो फेलियर एक मायने में एक अच्छी लर्निंग है, उससे हम कुछ अच्छा सीखते हैं और आगे एक बेटर इंसान बन सकते हैं। छोटा सा बच्चा जब चलना भी सीखता है तो कितनी बार वो गिरता है। अगर फादर और मदर ये सोचते हैं कि ये गिर रहा है यानी अब ये चल ही नहीं पाएगा, तो क्या वो सही है? वैसे ही लाइफ में फ्रेंड्स, हम बहुत बार डगमगाते हैं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वो डगमगाना भी हमारी अल्टीमेट सक्सेस का पार्ट है। क्या बोलते हैं नीशा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरी लाइफ में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें हो रही थी। जैसा कि मैं एक लॉयर हूँ और बहुत सारे केसेस मैं डील करता हूँ, तो इनिशियल स्टेजेस में ऐसा होता था जब तो केसेस में सक्सेस आ जाती थी तो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन जब फेलियर आती थी तो मेरे को एक डर सा पैदा हो जाता था मेरी लाइफ में कि नहीं यार, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। तो उस डर के साथ साथ में एक अंदर से ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाती थी कि फेलियर्स की वजह से मैं आगे बढ़ना, मेरी स्पीड कम हो गई थी आगे बढ़ने की। लेकिन जब भगवान की कृपा से मैंने भागवत गीता पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और हम अगर कर्म को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट्स के बारे में ना सोचें तो फेलियर और सक्सेस में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि अगर हमने कर्म प्रॉपरली कर दिए हैं तो वही हमारी सक्सेस है। और फ्रेंड्स, ये भी समझ में आने लगा कि डर के आगे जीत है। सो डर फेलियर से जनरेट हुआ, लेकिन उसमें कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट करते 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 एक दिन सक्सेस भी आई। थैंक यू नवीश भाई। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डर गए, कहते ना कि डर गया तो समझो मर गया, अगर हम 1, 2, 10 फेलियर से डर गए तो फिर वो जो डर का राक्षस है वो बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है ना। लेकिन जैसे हमने इंग्लिश में कहावत सुनी है, ट्राई ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, तो ये जो ट्राई ट्राई अगेन है, रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से, जो भी हमारा लक्ष्य है हमें उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश सच्चे दिल से करते रहनी चाहिए। और जब भी हम सच्चे दिल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल ज़रूर आते हैं, लेकिन भगवान भी हमारा साथ देते हैं और एक दिन कभी ना कभी हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। लेकिन साथ साथ में अगर हम ये भी ख्याल रखें कि सच्चे दिल से कर्म करना ही सच्ची सक्सेस है, तो फिर जब सक्सेस मिलनी होगी बाहरी लाइफ में तो मिल जाएगी, नहीं तो जब हम अपना काम भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे तो वो भी फ्रेंड्स एक सक्सेस ही है। तो फ्रेंड्स, डिमोरलाइज मत हुई है, जीवन में फेलियर्स को एक लर्निंग समझिए। हम दोनों आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप भी एक पॉजिटिव लाइफ लीड कर सकें। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण।